पापा ने हमें फैसला लेने के लिए कहा है और हमारा फैसला यही है कि शंकर भैया ही हमारे बॉडीगार्ड बनेंगे। जीते हम है प्रतियोगिता और आप हमको अपना बॉडीगार्ड नहीं बना रहे, काहे बताइए। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत डर लगता है, चिप चिप करिए, आप हटाइए उसे। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, कि अगर हम डेट पे ग्रेवी मंचूरियन पास्ता या पराठा नहीं खा पाए, हमारे हाथ का बना ये ब्रेड जेम बटर जो है ये खा के भी तो डेट बना सकते हैं ना। कम से कम याद करने के लिए जो है हमारे पास ये मीठा याद तो रहेगा। लीजिए। एक बात कहूं? जी। आपका चेहरा जितना सुंदर है ना, उससे कहीं ज्यादा आपका मन सुंदर है। थैंक यू। अब आप ही जो थंकू है ना, हमें बाद में कह दीजिएगा, पहले ना हमारे हाथ का बना ये देसी केक खाइए। लीजिए। आप लीजिए ना, ये लीजिए। अब क्या हो? हमारा जो मन है ना वो सेल्फी आ रहा है। हाँ मतलब एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? हाँ बिल्कुल। Cheers. Cheers. बड़े आए हमारा डेट बिगाड़ने वाले। आ गई सपनों की रानी, मैसेज आ गई। कैसी चल रही है डेट? छिपकली बेचारी को भी कुछ खिला दो, खाली तुम दोनों के चक्कर में वो भूखी ना रह जाए। पापा जी, हमारे क्रोध के तांडव से ना जिला जो है वाकिफ है, और जब हमारा पारा चढ़ता है ना तो सामने वाला जो है वो शांत हो जाता है, और अब तक यही होता आया है बाबा। अगला 5 मिनट में तुम अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ से 9 दूर 11 नहीं हुए ना, भोलेनाथ का कसम अनुराग सिंह गोली मार देंगे। जी देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये सुनने और सुनाने के ना तुम लायक रहे नहीं हो। तुमको क्या लगा था बे कि तुम जो नीच हरकत किए हो इसके बारे में हमको मालूम नहीं पड़ेगा? बापूजी देखिए ये बंदूक को नीचे कीजिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ आप। बात अगर तुम्हारे समझ में आ जाता ना तो ये जो बंदूक तुम्हारा पीठ पर आज लगा है ना उसको उठाने का जरूरत नहीं पड़ता, और हम तो ना तुम्हारा यहाँ रुकने का पक्ष में नहीं थे। यूं तो हमारे बेटा जी ने हमसे कहा कि तुम्हारा यहाँ रहना ना तुम्हारे लिए दंड है, तो हम मान गए, लेकिन अब तुम्हारा करतूत ना हद को पार कर चुका है। तुम्हारा बेहतरी इसी में है कि तुम यथासंभव इस घर का सरहद को ना पार कर जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है बाबूजी, ओके, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन हाँ हाँ मार दीजिए मुझे, जान से मार दीजिए, लेकिन गोली चलानी है ना तो मेरे सीने पे चलाइए, मेरे पीठ पे से नहीं, चलाइए चलाइए ना गोली बाबूजी, वरना लोग आपको वो कायर कहेंगे,
मुझे डरपोक, आप मारिए मुझे। अगर आप मुझे पश्चाताप का मौका भी नहीं देना चाहते तो ये जान किसी काम की नहीं है, ले लीजिए इसे, खत्म कर दीजिए मुझे। बापूजी मैं आपकी बेटी से सिर्फ माफी मांगना चाहता था, और अगर आप मुझे माफी भी नहीं मांगने देना चाहते तो मैं जी के क्या करूंगा बाबूजी। ये जान किसी काम की नहीं है, मैं उसे माफी नहीं मांगूंगा तो आप मुझे मार दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान से जाके माफी मांगूंगा। मारिए आप मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप, मारिए, आप अपने गुनाह से मेरे पाप को खत्म कीजिए, मारिए ना बाबूजी, गोली चलाइए। अंकल जी बंदूक नीचे कीजिए। अंकल जी क्या है ये सब, कोई भी गलती इतनी बड़ी थोड़ी होती है जिसके लिए किसी की जान ले ली जाए। अभी मनु जी रहने दीजिए, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, वो मुझे प्रायश्चित नहीं करने देना चाहते हैं। देखिए ना, अगर उनको लगता है कि यही मेरी गलती की सजा है तो मारने दीजिए, तुम बीच में मत आओ, ये हमारी बात है, हम सब लट लेंगे, कोई बात नहीं। बाबूजी आप चलाइए, आप मारिए बाबूजी, मारिए, चलाइए बाबूजी। शांत शांत हो जाओ, क्या पागलपन है ये। अरे कैसे शांत हो जाऊं, ये चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं। अरे मैं इस घर से कैसे जा सकता हूं, बताओ, मैंने इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा पाप किया है, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है अभिमन्यु जी, मैं इसे कैसे चला जाऊं। देखिए मैं अपने हाथों से अपनी रागिनी की जिंदगी संवारना चाहता हूं, उसकी शादी के लिए पूरी तैयारियां करना चाहता हूं, शायद यही प्रायश्चित है मेरे, पर ये लोग कुछ इतना भी नहीं करने दे रहे। बाबूजी आप अनुराग छोड़ो। अंकल जी अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरी खातिर अनुराग को रहने दीजिए प्लीज। अंकल जी देखिए, माफी मांगने का हक तो हर किसी को मिलना चाहिए ना, फिर चाहे माफी मिले ना मिले, प्लीज। नहीं रहना मुझे जिंदा, मैं मर जाऊंगा आज। तुम भी ना आपे मन्यु, तुम कितने स्वीट हो, थैंक यू सो मच ब्रदर, यू सच अ गुड मैन, आई लव यू ब्रो, आई लव यू, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, वरना मैं अभी तक मर गया होता। आई लव यू, तुमने आज मेरी जान बचा ली, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, इट्स ओके, हां मैं जाता हूं। अरे एक सेकंड, इसको बॉक्स को लेके जाओ, ले जाओ ले जाओ। बाल बाल बच गए, सच में गोली मारते तो आज मैं किया था। कोई था कि नहीं था, शायद कोई नहीं था। हेलो, जब बोला डॉन को पुलिस नहीं रोक पाई
तो आपका ये पहलवान क्या रोकेगा? समझे? का बकवास कर रहे हो तुम? हेलो हेलो, कहाँ हुआ? सृष्टि बाबू बताइए तो क्या हुआ है? ब्रिज। अरे भैया अनुराग। अरे भाई कुछ सोचा होचा आपने? अरे सारा विकेट हम लोगों का तो डाउन हो रहा है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग ही सूज गया है। कोई तो ऐसा फुल टॉस खेलना पड़ेगा कि बॉल पाउंड से बाहर जाए। मतलब ये कि बहुत देर हो गई सीधी गेम खेलते खेलते, अब एक ऐसी टेढ़ी गेम खेलनी पड़ेगी कि वो अभिमन्यु इस घर से बाहर चला जाए, वो भी अपनी ग्रेटनेस के साथ, और आज के बाद वो इस घर की शक्ल दोबारा मुड़ के ना देखे। नामुमकिन, मुश्किल। और हम तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप भी एक बढ़िया सा शेरवानी बनवा लीजिए और रफी साहब का एक मतलब गाना। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। मेरे प्रयाग बाबू, आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक घटिया फिल्म में देख देख के ना आप एकदम दिमाग आपका खराब हो चुका है। मैं जानता था कि कुछ ना कुछ भलता ही आइडिया देंगे आप मुझे। अरे का भलता ही आइडिया है, हैं? का भलता आइडिया है? अरे आपका जिंदगी भी ना कोनो पिक्चर से कम नहीं है, उसमें भी इतना ड्रामा नहीं होता जितना आपकी जिंदगी में ड्रामा है। एक तो दो दो दुल्हन तैयार, जोर जबरदस्ती के दम पे आपकी शादी कराई गई, वो भी बंदूक के नोक पे रख के, और कुछ नहीं दिखा तो साला आपका ही याददाश्त पता नहीं कहां से चला गया। एक सेकंड, ये क्या बोला तुमने अभी? क्या बोला अभी? क्या बोला अभी? क्या बोला? हम शादी बोला? शादी के बाद दुल्हन बोला? दुल्हन से पहले क्या बोला था? पिक्चर बोला। अरे पिक्चर के बीच, दुल्हन के बीच में क्या बोला था यार? पिक्चर, दुल्हन, शादी। कुछ मत बोलो। अब आया है आइडिया द ग्रेट अनुराग सिंह के दिमाग में। अब होगा फुल टॉस और चाय की बॉल बाउंड्री पार। कमाल। अरे जब जब सोचे हो तो डुबाए। ए कमाल भाई, सृष्टि बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुमको? भोला सिंह का तो फोन आया था कि वो तुमको तो कहा ना चाचा, कल हमने गया था। तुम? हाँ हम यहाँ, हम फोन किए थे, वो आवाज बदल लिए थे, कहा कि वो हम सीखे थोड़ा वो फिल्म देख के, फोन के सामने कपड़ा रख के बात करने से ना आवाज बदल जाता है। और मैडम जी को घर से कमरे से बाहर लेके भी हम गए थे। जरूरत सब करने का, समझाने के लिए कि कहा है कि मैडम यहाँ पे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। बड़ा आसान है मैडम को यहाँ से किडनैप करके लेके जाना, और आपका जो है ना पहलवान किसी काम का नहीं है, समझे? अरे घोड़ा बेच के सो रहा था, उसको देखने जब आया था। हमको शक हुआ कोई आया है, लेकिन कोई दिखा नहीं। ये है बहुत फुर्तीला, दो ही मिनट में ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। अरे तुम इतना खा पी के सेहत का बनाया हो दिखावे के लिए? ये जो बंदूक टांग रखा तुमने कंधे पे, ये क्या हथियार डालने के लिए है? चला का नहीं? बंदूक निकाले थे हम विद्वान जी, लेकिन पता नहीं इसकी गोलियां कहां गायब हो गई। गोली? एक मिनट, हमारे पास है। गोलू जी ये लो अपना अमानत, ये है तुम्हारा गोली, संभाल के रखो, अमानत है तुम्हारा, समझे?
वली हम निकाल दिए थे। और मैडम जी आपको हम समझाना चाहते हैं, बार बार आप समझ नहीं रही हैं कि आप हमको अपने सुरक्षा के लिए नहीं रखना चाहती। आप ये सोच रही हैं कि एक गुंडे से बचने के लिए घर पे एक और गुंडा रखे, उसको पाले पोसे, इसमें कहाँ की समझदारी। पर बात ऐसा है कि कोर्ट में भी जब मुकदमा होता है, केस होता है, तो वकील से लड़ने के लिए वकील ही खड़ा होता है, क्योंकि वकील समझता है वो कानूनी दाव पेच, दोनों का भाषा सेम होता है। जब कभी पांव में कांटा लग जाए ना, तो कांटा निकालने के लिए अगर एक और कांटा लगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्या है दोनों कांटों को बाद में फेंक सकती है। और आप सोच रही है कि हम कहा है आपके लिए काम करना चाहते, तो बात ऐसा है कि हम अपनी जिंदगी का शुरुआत करना चाहते हैं नए सिरे से, और चाहते हैं ये शुरुआत इस घर से, इसीलिए बार बार कह रहे हैं आप हमें काम पे रख ले, विनती कर रहे हैं आपसे कृपा करके हम एक मौका दे, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्या कहते हैं वो कंप्लेन नहीं आएगा आपको। सृष्टि बहू, वैसे मैं जो बात तो सही कह रहा बेटा, और इसे भी लोहा ही लोहे को काटता है, बात तो सही है भैया का। छोटकी बहू जी, हम तक आ कहते हैं कि दोनों में ना बैजुए उके है, इसी को फाइनल कर दो। अब तुम सुनी नहीं हो, सुबह का भूला सांझ को लौट आए तो उसको भूला नहीं करने। हम तो कह दिए जो कहना था, अभी मर्जी आपकी है, सोच लीजिए। कितना नीम मन से बोल रहा है सब कुछ। शिष्ट बेटा, अगर इस सुधरने का नियत से कर रहा ना, तो करने दो, है कि इसमें इससे कोई गलती नहीं होगा। अगर आप सबको सही लगता है तो ठीक है, रख लीजिए इसे। जीते रहो। हे बाबू, जाएगा अपना निशाना साधो, कहीं प्रैक्टिस करो, समझे? जाओ। अच्छा लो, ओढ़ना बिछाना सही हारो यहाँ से। बुद्धि तेज करने के लिए ना बादाम खाया करो, बहुत जरूरी है दिमाग। चलो। दिमाग मग सटिया गया का जी, इधर रात कोई ऐसे बुलाने का क्या मतलब? मुझे आप दोनों से सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में का पर्वत को तोड़ करके तुम नदी निकाल दोगे? नहीं, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है जो आप पहले से ही देख चुके हैं। इतना रात को जो है तुम देखा हुआ सिनेमा फिर से दिखाने आए हो हमको? ये सिनेमा देखिए तो सही, आइए बैठिए। And Madam Ragini, we kindly invite you to please have a seat. And please. आप लोगों ने जबरदस्ती चुना था ना मुझे, बंदूक की नोक पर डरा धमका कर शादी कराई थी मुझसे, है ना? हाँ, तो आपके लिए तो अच्छा हो गया ना कि आपको ये जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा मिल गया, खुशी का बात है। तुम जाइए, जाके जश्न मनाइए।
ये आधा रात को ही सिनेमा दिखा करके अभिमन्यु सिंह को दिखा करके हमको कहीं ब्लैकमेल करने जैसा तुम्हारा कुछ दिमाग में तो नहीं चल रहा है जी? नहीं बाबू जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस वही करूंगा जो अगर आप मेरी जगह होते तो करते। आपका दामाद हूं ना, कुछ तो असर होगा ही। क्या करने वाले हो तुम? कुछ नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती दूल्हा उठाया था ना, अब मैं जबरदस्ती दुल्हन को उठाऊंगा और वो भी सबके सामने। अब मैं भी देखता हूं बाबूजी कि ये सगाई होती कैसे है। चलो ठीक है, लेकिन तुमको ना एक बात समझाते हैं। दिया का लौ जब बुझने पे होता है ना, बहुत फड़फड़ाता है। तुम्हारा वही फड़फड़ाहट है, समझे?